भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनता के मन में स्वतंत्रता के बारे में जन जागृति हो। स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान देते हुए भारत को स्वतंत्र बनाया, उन्हीं के स्मरण करते हुए देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 की अवधि में सभी देशवासियों ने अपने घरों के छत के ऊपर तिरंगा फहराकर देश के प्रति देश भावना जागृत करने के लिए 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2022 तक सभी नागरिकों ने राष्ट्रध्वज फहराने की अनुमति प्रशासन की ओर से दी गई है। सभी नगरवासियों से अपने घरों पर इस अवधि में ध्वजारोहण करने की अपील मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी द्वारा दी गई है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। वही इसी उपलक्ष्य में केंद्र शासन और राज्य शासन की ओर से सभी सरकारी, निम सरकारी स्कूल, कॉलेज, संस्थानों पर, साथ ही सभी घरों पर एक साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत ध्वजारोहण करने की अपील की गई है, जिससे देश भावना जागृत हो सके और देश के प्रति निष्ठा, प्रेम, भाईचारा बना रहे। इसीलिए इस अभियान को बड़े जोर शोर से मनाए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। हर घर तिरंगा इस अभियान के बारे में पार्षदों ने नगर पंचायत सभागृह में नगराध्यक्ष प्रतिभा कुंभलकर की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी, तहसीलदार प्रशांत सागड़े, पुलिस निरीक्षक राहुल सोनोने और आला अधिकारी मौजूद थे। नगरवासियों से संवाद करते हुए इस अभियान की जानकारी दी गई। इस मौके पर शहर के विभिन्न राजकीय पार्टियों के नेतागण, व्यापारीगण, नगर पंचायत पार्षदी क्षेत्रों में कार्यरत नागरिक, कार्यकर्ता एवं आम नागरिक इस अवसर पर उपस्थित थे। शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्ती, तसेच सामाजिक संस्था, स्वयंसहायता ग्रुप किंवा बचत गट या सगळ्यांना आपण आमंत्रित केलेलं होतं। या सगळ्यांना हर घर झेंडा याविषयी माहिती देताना बऱ्याचशा गोष्टी सांगण्यात आलेल्या आहे, त्याची जनजागृती व्यापक प्रमाणात व्हावी असं त्यांच्याकडनं आम्ही अपेक्षित केलेलं आहे। तरी हा संपूर्ण कार्यक्रम आपल्या नगर पंचायत क्षेत्रात मोठ्या उत्साहाने साजरा व्हावा, आपल्या झेंड्याचा कुठे अपमान होणार नाही याची आपल्या प्रत्येकाने काळजी घ्यावी आणि हा कार्यक्रम यशस्वी पार पाडावा अशी मी अपेक्षा करते। धन्यवाद। सदर कार्यक्रम जो आहे तो महाराष्ट्र शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या आलेल्या गाईडलाईननुसार 13 अगस्त ते 15 अगस्त या दरम्यान आपल्याला साजरा करावायचा आहे।